साउथ सिनेमा पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी फिल्में लेकर आ रहा है जो न सिर्फ दर्शकों के दिलों में जगह बना रही है बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अगर हम साल 2024 की पहली तिमाही की बात करें तो साउथ का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। साउथ खासकर मलयालम सिनेमा ने पिछले 3 महीनों में कुछ ऐसी फिल्में दी हैं जिन्होंने ना सिर्फ दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया है बल्कि इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया है। यहां हम बात कर रहे हैं मंजुमल बॉयज की। यह फिल्म 40 दिन पहले रिलीज हुई थी और इसने अभी तक 225 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। यह फिल्म 2006 की एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तो ना तो इसमें बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी, सितारे भी बहुत बड़े या जाने माने नहीं थे, लेकिन डायरेक्टर चिदंबरम ने फिल्म को इस तरीके से बनाया, कहानी को इस तरीके से पेश किया और एक्टिंग का वो लेवल दिखाया और दर्शकों के दिलों में यह फिल्म एकदम से उतर गई। खास बात यह है कि मंजुमल बॉयज का बजट सिर्फ 25 करोड़ रुपए है और इस 25 करोड़ रुपए के साथ इसने लगभग अपने बजट का 10 गुना बॉक्स ऑफिस से निकाल लिया है। अब मंजुमल बॉयज को हिंदी में रिलीज करने की तैयारी है। यही नहीं, अगर हम साउथ सिनेमा खासकर मलयालम सिनेमा की बात करते हैं तो मलयालम सिनेमा ने इस साल एक और ऐसी फिल्म दी है जो सच्ची घटना पर आधारित है और जिसने अपने 6 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में लगभग 80 करोड़ रुपए जोड़ लिए हैं। यह फिल्म है आधुजीवितम। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में है और इसे डायरेक्ट किया है ब्लेसी ने। फिल्म की कहानी को पसंद किया जा रहा है। फिल्म की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इस तरीके से पहली तिमाही में 2 फिल्में मलयालम सिनेमा की ऐसी आई हैं जिन्होंने सच्ची घटनाओं को पर्दे पर पेश किया। कहानी अच्छी थी, डायरेक्शन अच्छा था, एक्टिंग अच्छी थी और इन्होंने ना सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि बॉक्स ऑफिस पर बड़े नंबर हासिल किए। आधुजीवितम का बजट लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए बताया जाता है लेकिन ये अपने बजट से काफी आगे निकल चुकी है। अगर हम बात करें 2023 की, इस साल भी मलयालम सिनेमा में एक ऐसी फिल्म आई थी जो सच्ची घटना पर आधारित थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। यह फिल्म थी 2018। यह केरल में आई बाढ़ के ऊपर बनाई गई फिल्म थी। इसमें दिखाई गई घटनाएं सच्ची थी और इस फिल्म को भी काफी पसंद किया गया था। इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 150 करोड़ रुपए रहा था जबकि इसका बजट 10 से 20 करोड़ के बीच बताया गया था। अगर हम बात करें मंजुमल बॉयज की जो 40 दिन पहले रिलीज हुई है, अब यह मलयालम की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। इसने 225 करोड़ रुपए का आंकड़ा छुआ है और ये अभी भी बॉक्स ऑफिस पर इसका सफर जारी है। यही नहीं, अब इस फिल्म को दूसरी भाषाओं में भी रिलीज करने की तैयारी है। हिंदी में यह डब हो चुकी है और जल्दी यह हिंदी में भी रिलीज हो सकती है। इसके अलावा फिल्म 5 मई को, हालांकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन फिल्म को 5 मई को OTT पर भी रिलीज किया जा सकता है। इस तरीके से अगर हम देखें कि 2023 की शाहरुख खान की पठान और जवान जिन्होंने सबसे ज्यादा कमाई की थी, अगर उनका कंपैरिजन हम कहीं मंजुमल बॉयज के साथ करें तो कमाई और बजट का जो अंतर है वो दोनों का बहुत बड़ा है। मंजुमल बॉयज ने 25 करोड़ के बजट में अपने बजट का 10 गुना बॉक्स ऑफिस से वसूला है जबकि ये आंकड़ा पठान और जवान में 4 से 5 गुना का था। इस तरीके से साउथ सच के खेल में काफी आगे रहा है जबकि बॉलीवुड अपनी काल्पनिक कहानियों के जरिए कई मोर्चों पे फेल हुआ है। शुक्रिया दोस्तों।